अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी और मैं हूँ राबे अफजल। नाजिन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ DHA में। मेरे साथ मौजूद हैं ताजर स्ट्रीट के इरफान नौशाही, आइए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप ये बताइएगा, आपने ताजर स्ट्रीट की बुनियाद कब रखी? ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस बनाया था 2015 में। जी, 2015 में। जी, इसके अलावा आपकी और कोई ब्रांच? इसके अलावा हम अभी CCA में जा रहे हैं, तो उसमें अभी हमने ले लिया फ्लोर अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। सर, आप ये बताइएगा, गवर्नमेंट ने जो प्रॉपर्टी पर टैक्सेस कम कर दिए हैं, इस हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। ये ऐसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम में बड़ा फ़र्क पड़ा है जब ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसको, क्योंकि अराउंड 50% जो ट्रांसफर एक्सपेंस वो कम किए हैं, उससे काफ़ी हमारी मार्केट पॉजिटिव रही है। सर, इसके अलावा आप कोई और बिजनेस करते हैं? नहीं, हमारा इसमें ये है कि हमारा ताजर ग्रुप है, इसमें हम कंस्ट्रक्शन को भी देखते हैं, हाउस की सेल परचेज है, रेंट की टीम है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा सेटअप है। इसके अलावा हम बैरियर टाउन, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ग्वादर, इसमें भी डील करते हैं। इन्वेस्टर्स के और ओवरसीज के नाम कोई अहम पैगाम दीजिए। ओवरसीज़ के लिए तो यही है, देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो मैसेज स्कीम दी है वो इन्वेस्टर के लिए बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि इनके सोर्स ऑफ इनकम नहीं आपसे पूछा जाएगा, उससे हमारी काफ़ी मार्केट बेहतर रही है। और ओवरसीज़ के लिए भी यही है कि अब तो पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी ठीक थे, लेकिन जो रूमर थी या अफवाहें थी वो अब तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। इससे उन्हें चाहिए कि बिल्कुल जो हमारी बोन, जिसे हम कहते हैं ग्रीड की हड्डी, जो है वो ओवरसीज ही है हमारी मार्केट की, क्योंकि उन्हीं की बाइंग सेलिंग से हमारी मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर चलती है। और ये टाइम है इस वक्त इसमें लाहौर में, बल्कि क्या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का। बिल्कुल सर, आप ये बताइएगा, COVID-19 के दौरान यहाँ पर कैसा बिजनेस था? COVID-19 में तो मार्केट हमारी बिल्कुल ही ब्लॉक थी, बल्कि वो ओवरऑल पाकिस्तान में ये हालात थे, उसके बाद काफ़ी मार्केट हमारी बेहतर रही है। आप ये बताइएगा, DHA में ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? इसमें यह है कि अगर एक ओवरसीज पाकिस्तानी परचेजर है जो बाहर है, वो इधर नहीं आ सकते ट्रांसफ़र पर, तो DHA का एक डॉक्यूमेंटेशन का वर्क है, वो हम करके उनके आने के बगैर ट्रांसफ़र कर सकते हैं DHA में। अगर सेलर बाहर है तो उसके लिए वो थ्रू एम्बेसी ट्रांसफ़र होती है DHA में। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है DHA की तरफ से, और ये सेफ है बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही। और वो जब बंदा आए पाकिस्तान, वो आके अपना लेटर रिसीव कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और आप ये बताइएगा, आपके साथ कितने एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं आपके ऑफिस में? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो एम्प्लॉय अराउंड हैं कोई 13 से 14, क्योंकि मुख्तलिफ फेजेज़ में हमारे पास टीमें हैं, जैसे हाउस की टीम अलहदा है, हमारी रेंट की टीम अलहदा है, कंस्ट्रक्शन की टीम अलहदा है, और इसके अलावा हर फेजेज में हमने 3-3, 4-4 लड़के लगाए हुए हैं जो उसमें प्रॉपर डील करते हैं। निज़ाम टीवी का और इनकी पूरी टीम का हम शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमारे ऑफिस को विज़िट किया, और बल्कि मैं अपने जो हमारे और कोलीग हैं या भाई हैं जो स्टेट एजेंट्स हैं, उनको भी हम कहते हैं कि आप इनके साथ ये इंटरव्यू करें, क्योंकि इसका ये बेनिफिट होगा कि कम से कम हमारी जो मार्केट में आपस में हमारे रबते हैं या आपस में हमें एक दूसरे से, इसमें काफ़ी मदद मिलेगी। जी व्यूवर्स, ये थे इरफान नौशाही, जिन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पर DHA में बहुत ही फैसिलिटीज़ हैं। और इसके साथ ही अपनी मेज़बान राबे अफजल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। लाहौर में आलमी मियार के डेंटल क्लिनिक का क्याम, डेंटल कन्फेशन में दांतों के हर तरह के मसाइल का हल मौजूद है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बेहतरीन क्लिनिक, जदीद मशीनरी और आला से लैस, बहार शाह रोड, जोड़े पुल, कैंट में वाकया डेंटल कन्फेशन क्लिनिक आपकी खिदमत में पेश पेश। फोन नंबर 04236634747।